पानीपत में पहुंचे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पहले जेजेपी के पानीपत ग्रामीण से प्रत्याशी रहे देवेंद्र कादियान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं का हालचाल पूछा तो कोरोना वायरस से बचने के लिए सलाह भी दी। लेकिन जहां एक तरफ लगातार मास्क न पहनने वाले लोगों के चालान करने की बात कही जा रही है, तो वही दूसरी तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला वे कुछ कार्यकर्ता न तो सोशल डिस्टेंस में थे और न ही किसी ने मास्क पहना हुआ था। जेजेपी नेता एवं सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कोरोना को भी सियासत कारण दे दिया, नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन दुष्यंत ने बातों ही बातों में दिल्ली के लोगों का टेस्ट भी हरियाणा में होने का दावा कर दिया। और जब उनसे बड़ौदा उपचुनाव के बारे में पूछा गया तो उनका जवाब हैरान कर देने वाला था। चलिए पहले बयान ही सुन लीजिए। ओपी चौटाला का दावा है कि वो जल्द ही इनेलो सत्ता में आएगी और बड़ौदा में भी चुनाव वो जीतेंगे, ऐसा जल्द तो अभी 4.5 साल बाद चुनाव है, जब देखेंगे। बड़ौदा चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? सुना आपने, दुष्यंत कह रहे हैं कि चुनाव को अभी 4.5 साल है, लेकिन पत्रकारों ने तो उपचुनाव के बारे में पूछा था। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि बीजेपी बड़ौदा उपचुनाव में भाजपा के ही कैंडिडेट को उतारेगी, क्योंकि वह नहीं चाहते कि किसी उकचूक से उनकी पार्टी का ग्राफ गिरे। एक तरफ दादा गौतम अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयान दे रहे हैं, खासतौर पर दुष्यंत चौटाला भी उनके निशाने पर हैं। दूसरी तरफ किसानों की गेहूं की फसल को लेकर भी सरकार व उप मुख्यमंत्री को विपक्ष समेत जनता ने भी आड़े हाथों लिया, इसलिए जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला बड़ौदा उपचुनाव पर खामोश नजर आए। अब देखना यह दिलचस्प होगा, क्या उनकी खामोशी इसी ओर थी या फिर मीडिया में सामने आने वाले युवा नेता अब मीडिया से ही उब गए हैं। इस खामोशी से जनता की दिलचस्पी और भी अधिक बढ़ गई है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की खामोशी सरकार के नजरिए से और जनता की दिलचस्पी के लिए तूफान की आहट का संकेत है, या फिर सरकार अपने पैतृक भूलती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका।